नमस्कार दोस्तों, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को डरबन में खेले गए पहले टी20 मैच में 61 रन से हराकर 4 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। क्या खबर इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन की 107 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 17.5 ओवर में 141 रन ही बना सकी। अब टीम इंडिया की नजर दूसरे टी20 पर होगी जो 10 नवंबर को खेला जाएगा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में हरदीप सिंह ने दिया। उन्होंने कप्तान एडन मार्करम को अपना शिकार बनाया, वो सिर्फ 8 रन बना सके। इसके बाद आवेश खान ने चौथे ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को निशाना बनाया, वो भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा रियान क्रिकल्टन भी 21 रन बनाकर आउट हो गए। 44 के स्कोर पर 3 विकेट गवा चुकी दक्षिण अफ्रीका को एक लंबी और मजबूत साझेदारी की दरकार थी। ऐसे में हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी हुई जिसे वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा। उन्होंने एक ही ओवर में दोनों को आउट किया। क्लासेन 25 और मिलर 18 रन बनाकर रवाना हो गए। इसके अलावा पैट्रिक क्रूगर ने 1, मार्को यानसन ने 12, एंडिले सिमेलेन ने 6, गेराल्ड कोटिजिए ने 23, केशव महाराज ने 5 और पीटर ने 5 रन बनाए। भारत के लिए वरुण और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए जबकि आवेश खान को 2 सफलताएं मिली। वहीं अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार हुई। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 24 रनों की साझेदारी हुई। कोटजी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा, उन्होंने अभिषेक को अपना शिकार बनाया, वो सिर्फ 7 रन बना सके। इसके बाद मोर्चा सूर्य कुमार यादव ने संभाला, उन्होंने दूसरे विकेट के लिए संजू के साथ 66 रनों की साझेदारी की। कप्तान 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा ने सलामी बल्लेबाज का साथ दिया, दोनों के बीच 77 रनों की पार्टनरशिप हुई। तिलक 33 रन बनाकर आउट हुए। 47 गेंदों में विकेट कीपर बल्लेबाज सैमसन ने शतक जड़ा, यह उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक है। उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया। वह 50 गेंदों में 214 रन के स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 2, रिंकू सिंह ने 11, अक्षर पटेल ने 7, रवि बिश्नोई 1 और अर्शदीप सिंह ने 5 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए गेराल्ड कोटजिएक ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा मार्को यानसन, केशव महाराज, पीटर और क्रूगर ने 1-1 विकेट लिए।